इंडियन बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज की टीम को आप ये कह सकते हैं कि आज जो कच्चा खा दिया है। आज खास करके कुलदीप यादव और जडेजा ने आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है ना उसको कच्चा खा के रखती है। यूं एक ओडीआई मैच, जो पहला ओडीआई मैच है सीरीज का, वो भारत को प्लेट में पेश कर दिया गया है। इंडिया ने वेस्ट इंडीज की पहले वनडे में खोल के रख दिया। मतलब जिस तरह वेस्ट इंडीज को जलील किया इंडिया ने ना, वो जो टेस्ट क्रिकेट में इंडिया जलील कर रहा था व्हाइट बॉल में भी आगे इंडिया ने उसी तरह वेस्ट इंडीज को जलील किया। 114 के ऊपर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को लगा दी और दफा कर दिया जी साइड पे हो जाए। इंडिया ने तो खैर अपनी तैयारी शुरू कर दी है वर्ल्ड कप की, साफ जाहिर है। और 3 ओवर में 2 मेडन 6 रन और 4 विकेट, मतलब इससे और क्या मतलब फ्लैटरिंग बॉलिंग फिगर्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि भारत ने वेस्ट इंडीज को पहले ओडीआई मैच में बुरी तरह से हरा दिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की शानदार गुगली के आगे पूरी वेस्ट इंडीज ढेर हो चुकी थी 114 रनों पर। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से हैरान हो चुका है और भारतीय गेंदबाजी खास करके स्पिनरों को देखकर हैरान है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस शानदार जीत पर क्या बातें कर रही है और भारत की इस यंग टीम के बारे में भी क्या बातें कर रही है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इंडिया ने वेस्ट इंडीज की पहले वनडे में खोल के रख दिया। मतलब जिस तरह वेस्ट इंडीज को जलील किया इंडिया ने ना, वो जो टेस्ट क्रिकेट में इंडिया जलील कर रहा था व्हाइट बॉल में भी आगे इंडिया ने उसी तरह वेस्ट इंडीज को जलील किया। 114 के ऊपर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को लगा दी और दफा कर दिया जी साइड पे हो जाओ। और फिर जिस तरह इंडिया की बॉलिंग लाइन अप चली है ना, देखें कुछ पाकिस्तानी लोग आके बात करेंगे कि जी इंडिया ने 5 विकेटें भी दी हैं, इंडिया ने जी 114 5 विकेटों पे चेज किया। तो उन सबको जरा मैं बताता हूँ कि इंडिया ने ये किया क्यों और इंडिया ये आखिर इसके पीछे चीज क्या थी। देखिये इंडिया ने ये इस वजह से किया, अगर ऊपर रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग करने आ रहे थे तो ये जो टोटल था ये 1 या 2 विकेटों में चेज हो जाना था, सबको पता है, ठीक है ना। इंडिया ने अपने यंगस्टर्स भेजे ऊपर बैटिंग करने के लिए कि जाके सब अपनी बैटिंग दिखा सकें। जब आप देखें इंडिया की ये वो प्लेइंग 11 नहीं है जो वर्ल्ड कप में जाएगी, ये अभी इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बाबर आजम को भेज दे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी बाबर आजम को भेज दे, हर जगह बाबर आजम ही जाएगा तो वो अपने रन करके आएगा। उन्होंने अपनी यंग साइड को भेजा है, बॉलिंग उनकी देख ली यार, सारी यंग साइड खेल रही है। बैटिंग में आज पूरी यंग साइड बैटिंग करने आई है, विराट कोहली नहीं आया बैटिंग करने, रोहित शर्मा भी एंड पे आया बैटिंग करने। तो ये भाई जान पॉजिटिविटी है ना, इंडिया ने ऊपर सब यंगस्टर को मौका दिया है। विराट कोहली या रोहित शर्मा ऊपर बैटिंग करने आ रहे थे तो किसी के बाप की भी जरूरत नहीं थी कि इनकी विकेट ले पाता, 2 विकेटों में या मैक्सिमम 3 में चेंज हो जाना था, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया, ठीक है। कुछ पाकिस्तानी आके मुझे पता ना अपने पाकिस्तानी लोगों का कुछ नीचे आके वो बकवास करेंगे। इंडिया ने जो बॉलिंग देखे, कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है एक्सेप्शनल बॉलिंग है। और मैं आई थिंक ये कब से, जब आपने कुलदीप यादव को टीम से आउट किया था मैंने तब भी बोला था कि कुलदीप यादव एक ऐसा स्पिनर है इस टाइम इंडिया में व्हाइट बॉल में, उससे बेहतर व्हाइट बॉल का स्पिनर इंडिया में अभी तक कोई नहीं है। मैं ये हमेशा से बात करता हूँ और मैं उसकी बॉलिंग का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, क्योंकि उसने बाबर आजम घंटे को ना 2 बार जो गुगली की थी ना, एक बार वर्ल्ड कप में और एक बार एशिया कप में, बाबर आजम उसको आज तक समझ नहीं पाया कि बाबर आजम के साथ वो हुआ क्या था। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 114 रन बनाए हैं। सर ये कोई T20 मैच नहीं है, ये 50 ओवर्स मैच है और वेस्ट इंडीज की पूरी जो बैटिंग लाइनअप है सिवाय शाई होप के जिन्होंने 43 रन बनाए हैं, बाकी सारी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई है। और यूं भारत की जानिब से खास तौर पर कुलदीप यादव ने 4 विकेटें हासिल की हैं, 3 विकेटें रविंद्र जडेजा ने हासिल की हैं और एक एक विकेट जो है वो हार्दिक पांड्या, मुकेश कुमार और शार्दुल ठाकुर के हिस्से में आई है। यूं एक ओडीआई मैच, जो पहला ओडीआई मैच है सीरीज का, वो भारत को प्लेट में पेश कर दिया गया है। हालांकि अच्छी खासी बेहतर टीम थी ये वेस्ट इंडीज की और इससे अब अंदाजा हो रहा है कि इन लोगों को शायद अब खेलने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हमें वो कहते हैं ना, मुझे मारो, वो वाला सीन बना हुआ है अब वेस्ट इंडीज का। लेकिन एप्रिसिएशन ऑब्वियसली बनती है भारतीय बॉलर्स के लिए, खासतौर पर कुलदीप यादव काफी अरसे के बाद नजर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एक मैं समझता हूं कि एक अच्छा भारतीय बॉलर है लेकिन उसको उस हद तक रेट नहीं किया जाता
जैसे रेट करने की ज़रूरत है। तो भारतीय टीम का जो इस वक्त जीतना ऑब्वियसली ये लाजमी है, और ये पहले से तय था जिस तरह से उन्होंने टेस्ट सीरीज को वन साइडेडली जीता है। ये अलग बात के दूसरा टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली, रियल मीनिंग में ये अनफॉर्चुनेट बात है कि दूसरा टेस्ट मैच भारत जीता हुआ मैच हार गया, बराबर हो गया माफ कीजिएगा, ड्यू टू द रेन, रेन ने उसको वॉश आउट कर दिया। इंडियन बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज की टीम को आप ये कह सकते हैं कि आज जो कच्चा खा दी है। आज खास करके कुलदीप यादव और जडेजा ने आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है ना उसको कच्चा खा के रख दिया है। क्या कमाल की जो इंडिया की जनब से बॉलिंग देखने को मिली है। टॉस जीत के इंडिया ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और वेस्ट इंडीज की टीम को टोटल 114 स्कोर पे ऑल आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज का शाही होप के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो स्कोर बनाने में नाकाम रहा, और इंडिया के स्पिन अटैक के सामने ऐसा लगा कि बिल्कुल जो बैटिंग करना वेस्ट इंडीज की टीम भूल गई है, और ऐसा लगा कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम जो ये वेस्ट इंडीज में नहीं खेल रही है, बल्कि ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया में खेल रही है और इंडिया के स्पिनर जो है वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया में छाए हुए हैं। क्या कमाल की बॉलिंग की है। ओए होए होए, जडेजा ने पहले आते साथ जिस तरह से जो है वो वेस्ट इंडीज के बैटर्स के पड़हच्चे उड़ाए ना, उसके बाद जो कसर बची हुई थी वो कुलदीप यादव को आज मौका मिला हुआ था, और कुलदीप के सामने आप जो है वो इस तरह से अगर शॉट खेलेंगे, आप जो रिवर्स स्वीप खेलेंगे कुलदीप यादव जैसे बॉलर के सामने, तो भाई वो आपको माफ नहीं करेगा, वो आपको नहीं बख्शेगा। इंडिया ने तो खैर अपनी तैयारी शुरू कर दी है वर्ल्ड कप की, साफ जाहिर है, और मज़े की बात ये कि तैयारी भी शुरू कर दी इंडिया ने वर्ल्ड कप की, और साथ साथ में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक बड़े मतलब अच्छे तरीके से एक मैसेज भी पास ऑन कर दिया उनकी सिलेक्शन कमेटी को और क्रिकेट बोर्ड को कि भाई हम दो तो पक्के हैं वर्ल्ड कप के लिए, बाकी सब जो है अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आज दोनों स्टॉलवर्ट्स ने जो है मतलब ऊपर बैटिंग नहीं की, और रोहित केम टू बैट एट नंबर 7, वो भी उस वक्त आया जब वो मतलब कैसे बोलते हैं 5 विकटें गिर चुकी थी, तो फिर उसने मजबूरी में आके बैटिंग की और इंडिया को जिता दिया। लेकिन ओवरऑल वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, और मतलब वनडे मैच है और उसमें ऐसी पिच थी बारबाडोस पे कि जो कि इतना स्पिन ले रही थी और इतना ग्रिप था स्पिनर्स के लिए कि जडेजा और कुलदीप यादव के तो मज़े आ गए। कुलदीप यादव तो बल्कि जब कुलदीप यादव बॉलिंग करने आया तो उस पर 6 विकटें गिर चुकी थी, तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार ये बेचारा मतलब रह गया आज कि इसको मौका नहीं मिला, लेकिन उसने वो 4 विकटें ले ली और वो भी 3 ओवर में 2 मेडन 6 रन और 4 विकेट, मतलब इससे और क्या मतलब फ्लैटरिंग बॉलिंग फिगर्स हो सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग पूरी तरह से हैरान है भारतीय गेंदबाजी देखकर, खास करके जडेजा और कुलदीप यादव की गेंदबाजी देखकर, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों कि इस साल वर्ल्ड कप होने वाला है और वर्ल्ड कप में 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। यही कारण है कि पाकिस्तान काफी बारीकी से इस मैच को देख रहा था, लेकिन भारत ने सिर्फ और सिर्फ 4 घंटों में ही वेस्ट इंडीज का सुपड़ा साफ कर इस मैच को जीत लिया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सुझाव भी जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।